अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहली जमात के बच्चों, फर्स्ट क्लास फर्स्ट पार्ट गुलिस्तान उर्दू, सफ़ा नंबर सोलह पर हम ज़ौद पढ़ेंगे। बच्चों क्या पढ़ेंगे? ज़ौद। तो पढ़े ज़ौ। क्या है ये? ज़ौ। मेरे साथ पढ़िए बच्चों, ज़ौ। ज़ौ से ज़रूफ मीन्स बर्तन को बोलते हैं बच्चों, फिर चाहे वो खाने के हो या पीसने के या फिर कुछ भी, जो भी बर्तन होते हैं घर में अलग अलग तरीके के, उन सारे बर्तनों को ज़रूफ बोलेंगे। ठीक है, ज़ौ से ज़रूफ। अब ये ज़रूफ तोशेदान है या फिर बर्तन है खाने पकाने के, कुकर या फिर पैंस, इन सारे बर्तनों को हम ज़रूफ ही बोलेंगे। तो ये स्टार्ट होंगे ज़रूफ से। ये इसका शुरुआत ता से हो रहा है, इसका शुरुआत बा से हो रहा है, लेकिन इसको बा और ता की तरफ ना देखते हुए ज़रूफ की तरफ देखेंगे तो ये ज़रूफ बर्तन है। ज़रूफ बर्तन को बोलते हैं, बर्तन फिर चाहे वो टिफ़िन की शक्ल में हो, बर्तन फिर चाहे वो खाने पकाने की शक्ल में हो, उन सारी चीज़ों को ज़रूफ बोलेंगे। इसकी तरफ मत देखिए, ठीक है। हम हाँ, एक जनरल नॉलेज की तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, वो इस तरीके से कि टिफ़िन को उर्दू में तोशेदान बोलेंगे। ठीक है, टिफ़िन को उर्दू में क्या बोलेंगे? तोशेदान बोलेंगे, और बर्तन को बर्तन ही बोलेंगे। ठीक है, अब हम इसकी तरफ नहीं देखेंगे, ज़रूफ़ की तरफ देखेंगे। ज़रूफ़ से इतने चीज़ें बोल सकते हैं। ज़ौत को लिखने का तरीका देखिए बच्चों, तो ज़ौ, जैसे तो को हम लिखे वैसे ही ज़ौ को लिखेंगे, ठीक उसी तरीके से ऊपर से नीचे की जानिब यहाँ तक आएंगे, रुकेंगे, फिर इस तरीके से इसको जोड़ेंगे, यह बन जाएगा ज़ौ, और इसकी पहचान इसका नुक्ता रहेगा, क्योंकि तो पे कोई नुक्ता नहीं है और ज़ौ के ऊपर नुक्ता आना ही उसकी पहचान होगी। ठीक है, हम यहाँ पर एक बार इसको ट्रेस कर लेते हैं, मश्क कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, हमने मश्क किया ना ज़ौ, आप कभी इसी तरीके से मश्क करना है। ज़ौ हो गया, अब आइन की तरफ जाएंगे हम। आइन, ठीक है, मेरे साथ पढ़े सब। आइन से ऐनक, आइन से औरत, आइन से इबादत। ठीक है, आइन से ऐनक, आइन से औरत, आइन से इबादत। तीन बार पढ़ना है, ऐसे ही फिर पढ़े मेरे साथ। आइन से ऐनक, आइन से औरत, आइन से इबादत, आइन से ऐनक, आइन से औरत, आइन से इबादत। अब इसको हम लिखने का तरीका सीखते हैं बच्चों, वो इस तरीके से देखिए, ये तीर का जो निशान है उसी तरीके से हम इसकी गोलाई बनाएंगे यहाँ पे इस तरीके से, फिर इसके अंदर से हम इस तरीके से मुड़ जाएंगे, ये बनेगा आइन। ठीक है, आइन। तो अब यहाँ पर हम इसको एक बार ट्रेस करेंगे पढ़ते हुए। ठीक है, आइन। तो आपका ये होमवर्क और क्लास वर्क दोनों भी है बच्चों, जितना हो सके क्लास वर्क में ये एक इतना ये हिस्सा क्लास वर्क में कीजिए, ये हिस्सा होमवर्क में कर लीजिए। और डेट डालिए बच्चों, डेट है आज 26/10/2020। ठीक है, डेट डालकर अपना वर्क कीजिए। अल्लाह हाफिज़।